बाबू, बाबू, बाबू मुझे बचाइए। बेटिया,
कौन है बेटू? कौन है ये भैया? ये मेरा कोई नहीं, ये बहुत जालिम है, हमेशा मेरे पैसे छीन लेता है और मुझे मारता है। शर्म नहीं आती तुझे? चल भाग यहाँ से। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मैं मर गई, आपको मेरे कारण ये सब। बाबू मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ बाबू, यहीं पास में एक डॉक्टर जी का मकान है, जल्दी ले चलो भैया। वो बड़े अच्छे हैं, गरीबों के बहुत काम आते हैं। चलिए बाबू, मैं आपको ले चलती हूँ। चलिए बाबू, चलिए मेरे। सेन की बेटी जो इतनी ऊंचे सुर में गा रही है। डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब मुझे घूसा घूसा। डॉक्टर जी क्या घूसा मार दूं? नहीं नहीं, घूसा पड़ा है, नदी किनारे आए हुए थे ना, जाने क्या। बस घूसा ही पड़ा है ना। अच्छा तुम चुप रहो, आप अंदर आइए। बेटे तू जा यहाँ से, मैं यहाँ नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? मैं तो हूँ और तू भी है, तू झूठ बोल के बिंदिया। बिंदिया तू जानती है मैं सुबह से तेरी खोज में था। मेरी खोज में? हुआ दमड़ी का हजाम, क्या मेरी दाढ़ी है जो मुझे आया है? हाँ, नहीं बिंदिया नहीं, तू तो जानती है उधार मांगने कहाँ जाओ, भगवान कसम सुबह से आधी दाढ़ी तक नहीं मिली। न जाने किस सूरत मैंने देख ली बिंदिया। अपनी ही सूरत देखी होगी, जब देखो भूख को मरता है। नहीं ले जा, ले जा। बड़ी अच्छी बिंदिया। तो आजकल आप बेकार हैं डॉक्टर साहब, मुझे बहुत अफसोस है। डॉक्टर साहब मुझे मेरी आंखें वापस मिल जाएंगी ना? डॉक्टर साहब मैं अंधा तो नहीं हो जाऊंगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं? डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, मुझे दिल की बीमारी है, कभी कभी दौरा पड़ जाता है। आपने आंखों के लिए पूछा था? जी हाँ। आपकी आंखें बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी, दो चार दिन इलाज करने की जरूरत है। भगवान
दो चार दिन इलाज की जरूरत है, लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब मेरे पास एक आखिरी ध्वनि थी जिससे मैंने ये कली खरीद ली है डॉक्टर साहब। अरे भाई, जिंदगी में हर काम रुपए पैसे के लिए नहीं किया जाता, आप बिल्कुल न घबराइए। तो क्या मुझे हर रोज यहाँ आना पड़ेगा? आप रहते कहाँ हैं? मैं अंधेरे में रहता हूँ डॉक्टर साहब। अंधेरे में? जी हाँ। मेरा ये झोपड़ा हाजिर है, दो चार रोज यही रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन देखिए ना, आप बिल्कुल न घबराइए, जिस दिन पट्टी खुलेगी आपको हर चीज साफ साफ नजर आएगी। अच्छा, मैं अभी आया। बहुत अच्छा। डॉक्टर जी, ओहो, तो अब तक आप यही खड़ी हैं? मेरा कहने का मतलब रात हो चली है। डॉक्टर जी, बाबू बड़े अच्छे हैं। तो मैं कब कहता हूँ बुरे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा हम बाबू अच्छे हो जाएंगे, कब आएंगे, कहीं मर तो नहीं जाएंगे? जरूर मर जाएंगे। अरे अरे, सब एक दिन मर जाते हैं, एक दिन वो भी मर जाएंगे। जिंदगी और मौत में सिर्फ एक कदम का फासला है। घबराओ नहीं, चार दिन में ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ठीक हो जाएंगे। अब तुम जाओ जाओ। डॉक्टर साहब, क्यों आपको दिल की बीमारी क्यों है? आपने मुझे बिल्कुल गलत समझा। आजकल नौजवानों को जो दिल की बीमारी होती है, जी हाँ, वो मुझे नहीं है। आपकी उम्र क्या होगी? यही कुछ 15-16 साल। दिखाई नहीं देता ना वो? आप मेरा हाथ आराम से लेट जाइए। हाँ जी, बस लेट गया, लेट गया जी। घबराइए नहीं। हाँ नहीं, याद रखना याद पाया इस सुहानी रात को, याद रखना याद पाया इस सुहानी रात को, गोद में चुके चुपके जो है से मैं को, गोद में चुके चुपके जो है से मैं को, याद रखना चांद तारे इस सुहानी रात को, याद रखना।
नहीं जी, नहीं, नहीं, नहीं। आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे आवाज देनी होती। अगर आपको आवाज दे देता तो फिर ये ठोकर कैसे लगती? जानबूझ के ठोकर भी तो नहीं खाना चाहिए। बगैर ठोकर खाए इंसान की आंखें भी तो नहीं खुलती साहब। आपकी आंखों पर पट्टी बनी हुई है, इस हालत में आपको बगैर सहारे के नहीं चलना फिरना चाहिए। अगर चोट लग जाती तो डॉक्टर साहब को एक इंजेक्शन और दे देना पड़ता। अच्छा चलिए, अब आप आराम कीजिए। अच्छा ये आवाज किसकी थी? रेडियो की। कौन 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 गा रहा है? गीता देवी। अच्छा मेरी आंखों से अभी ये पट्टी खुल सकती है? क्यों? मेरा ख्याल अभी आंखें अच्छी हो गई होंगी। वो कैसे? इतना अच्छा गाना सुनने के बाद कोई बीमार बीमार रह सकता है? तो ये गाना आपको बहुत पसंद आया? हाँ। ओह, ये घुटना, आपने आवाज बहुत मधुर पाई है गीता देवी। अच्छा अब आप आराम कीजिए। देखिए आप मुझे घड़ी घड़ी आराम करने के लिए क्यों कहती हैं? इसलिए कि आपके दिल और दिमाग दोनों को आराम की जरूरत है। दिमाग की जरूरत तो मैं समझता हूँ, लेकिन दिल की जरूरत को आज तक नहीं समझ सका। आपने कभी समझाया दिल की जरूरत को? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। ये सवाल खुद अपना जवाब है। गीता, गीता बेटी, गीता। पिताजी, पिताजी। फिर दिल बैठने लग गया था। हमारे दिल साहब न जाने कब तक हमसे दिल लगी फरमाते रहेंगे। आप भी तो जरूरत से ज्यादा अपने मरीजों का ख्याल रखते हैं, कुछ अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखा कीजिए पिताजी। दिन रात यही चिंता। बेटा, डॉक्टर की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी नहीं होती। जिंदगी हमारे पास हमारे मरीजों की अमानत है। फिर भी तुम घबराओ नहीं बेटा, मैं जल्दी नहीं मरूंगा। पिताजी। डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं? डॉक्टर साहब देखा? क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या हुआ? ये हैं हमारे डॉक्टर साहब, चले आए मेरी हालत पूछने के लिए। अजी महाशय जी, ये घुड़दौड़ बंद कीजिए, आराम फरमाइए। इस उठक बैठक की इजाजत आपको नहीं मिल सकती। चलिए चलिए। मैं जान गया आप दवा, पर अगर मैं न पीऊं तो? क्यों? क्योंकि मेरी आंखें तो कल ही अच्छी हो गई थी। कैसे? कल आपने गाना जो सुनाया था, अगर आपको यकीन नहीं होता तो देखिए पट्टी न खोली। तो फिर वादा कीजिए कि फिर वही गाना सुनाएंगे आज। अच्छा दवा पी लीजिए। आज आपने शिकायत नहीं की कि दवा कर दीजिए? आज दुनिया बदली हुई है गीता देवी। अशोक बाबू। हाँ डॉक्टर साहब। जरा पिन दीजिए और ठीक से बैठिए। हाँ वेरी। डॉक्टर साहब, ये पट्टी का झंझट कब खत्म होगा? क्यों भाई? मैं आपकी शक्ल देखना चाहता हूँ। अरे भाई, मैं इतना हसीन थोड़ी हूँ कि मेरी शक्ल देखकर कलेजा थाम लोगे? ओहो, मैं कह रहा था कि ठीक से बैठिए। बैठ गया डॉक्टर साहब, बैठ गया। गीता देवी जी,
हो सकता है कि बीमारी कुछ दिनों के लिए और लंबी हो जाए। ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? उसी पहलवान को जो दोबारा घूंसा मार सके। अशोक बाबू जी, पिताजी कह रहे थे कि आप कोई दूसरी कहानी लिखने का इरादा कर रहे हैं। आप कहाँ हैं? बिल्कुल आपके करीब। आज तीसरा दिन है लेकिन मालूम होता है 3 मिनट गुजरे। आज तीसरा दिन है पर ऐसा मालूम होता है जैसे 3 साल बीत गए। न जाने ऐसा वक्त इतना लंबा क्यों हो जाता है। क्यों जी अशोक बाबू जी, दुनिया पर डालने के लिए तैयार है ना? हाँ डॉक्टर साहब तैयार है, पर परमात्मा करे कि दुनिया को बदला हुआ ना पाओ। जमाने को बदलते देर नहीं लगती डॉक्टर साहब। देखिए देखिए, हर चीज को गौर से देखिए। प्यारी और रंगीन तो नहीं थी, मुझे ऐसा मालूम होता है कि आज मेरे जीवन का पहला सवेरा है। इतना सुहाना सवेरा कि जिसकी छटा को देखकर कलियों का रंग फूलों में बदला जा रहा है। तो बड़े अच्छे अच्छे फूल लाई है, कितने में बेचेगी? हाँ, फूल भी नहीं है। फूल नहीं है तो ये क्या है? ये तो उनके लिए है, वो आज आ रहे हैं ना, उन्होंने ले लिया तो फूल।
नहीं तो काटे। बटे, ए बटेर, बटेर। अबे बटेर के बच्चे, दाढ़ी बनाता है या घास छिलता है? सीधी तरह बना, परेड। अबे बुद्धू, एक तो आजी दाम में तेरी हजामत बनाना और उस पर से ये लख ले। मैं कहता हूँ सीधी तरह बैठ, वरना कहीं दाढ़ी के बजाय तेरी नाक में साफ हो जाए। आईना देख। ओ बटे। ए बिंदिया। अबे कहाँ चला है? ए बटे। क्या है बिंदिया? क्या है? ये ले। आज क्या बात है? अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। बिंदिया, मुझे भी आज एक शिकार मिल गया है। हर दिन की दाढ़ी बढ़ गई है उसकी। मगर बिंदिया, ये तुझे कब चुकाना होगा? अरे तूने पहले कभी किसी का उधार वापस किया है? अरे परमात्मा करे तुझे नजर न लग जाए बिंदिया। अबे वो नजर के बच्चे, मेरी आधी दाढ़ी। अबे भाई आज मैं दाढ़ी वाली नहीं बनाऊंगा। ये ले अपने आधे बाल और चिपका ले फिर से। हाँ चिपका ले। अरे चलिए भाई, मैं बनाता हूँ, बनाता हूँ। मैं किस जबान से आपका शुक्रिया ना करूँ डॉक्टर साहब? अशोक बाबू, इस शुक्रिया लफ्ज से मुझे बहुत ही नफरत है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया और कुछ नहीं। अच्छा, फिर कभी मिलने की कोशिश करूंगा। लेकिन बीमार होकर नहीं। अच्छा नमस्ते। अशोक बाबू जी, कुछ दिनों तक चश्मा लगाना ना भूलिए। बहुत अच्छा, ये आपकी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। जी अच्छा। डॉक्टर साहब, मैं तो यहाँ खाली आधा रहा, ये रुपए मेरी जेब में कैसे? अरे भाई, मैंने अपना कोर समझ कर डाल दिए, तो ये आप रख लीजिए। अगर ये रुपए तुम्हें ज्यादा चुपते हो तो काम पर लग जाने के बाद वापस कर देना। आपने मुझे खरीद लिया है डॉक्टर साहब। ठीक ठीक ठीक। बाबू, अरे अच्छे हो गए, बिल्कुल अच्छे हो गए। हाँ मैं बिल्कुल अच्छा हो गया। बाबू बाबू, आप मुझे देख रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ। मैं कैसे दिखती हूँ? अरे तू बहुत अच्छी दिखती है। एक गुलदस्ता आपके लिए लाई हूँ। अच्छा, क्या नाम होंगे इसके? आप बड़े निर्दयी हैं, मेरे दाम कम मांगे हैं। आपने मेरे लिए इतना दुख झेला, तो क्या मैं आपको गुलदस्ता भी नहीं दे सकती? दे सकती, दे सकती। अच्छा देख, अब तू जा, तुझे भी जाके फूल बेचने होंगे और मुझे भी जाके काम करना है। हुँ? मैं जाता हूँ। मैं समझी थी कि आप पूछेंगे, क्यों री बिंदिया, तूने ये दिन रोके काटे या हंस के गुजारे, और आपने तो कुछ न पूछा। कभी तो पूछिएगा।
रुक क्यों नहीं गाओ ना? नहीं बाबू, हम अब ये गाना नहीं गाएंगे। आप और कोई सुन लीजिए, ये अच्छा नहीं। अच्छा क्यों नहीं बाबू? यहाँ एक कवि रहते थे, वो गाया करते थे इसे। मगर एक दिन इसी नदी में डूबकर उन्होंने जान दे दी। जान दे दी? मैं सच कह रही हूँ बाबू, उन्हें किसी से प्रेम था। खून नदी है, इसने बहुत प्रेमियों को निगल लिया है। भगवान ही भला करे। मौसी, मैंने तुम्हें बुलाया है गीता बेटी के बारे में बात कहने के लिए। कहो कहो, हम सुन रहे हैं। तुम तो जानती हो इस दुनिया में तुम दोनों के सिवा मेरा कोई नहीं। हाँ सच है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। मगर नहीं नहीं, हम जो हैं तुम्हारे। हाँ हाँ हाँ, जीते जीता बेटी के हाथ पीले देख लेता तो बहुत खुशी होती। ठीक है, चैन से बनना जरूरी है। हाँ, स्वर्गवासी हम लिए चल दिए थे, उनके बाद हमने सोचा शादी करके क्या पाएंगे। अच्छा ही हुआ, भगवान की याद में जीवन बीत गया। क्यों बहन? मौसी, कोशिश करके कोई नेक और अच्छा लड़का ढूंढो। गरीब अमीर का कोई सवाल नहीं, भला आदमी हो, बस जल्दी हो जाए तो अच्छा है। हाँ, गीता के बराबर का हो, जैसी वो देख है। क्यों बहन? गीता की तरह सुंदर भी हो और जवान भी हो। जवान ना हो तो क्या हुआ, नेक हो, ठीक है ना? हाँ मौसी, आप ठीक समझ सकती हैं। जो आपकी पसंद होगी वही मेरी, जो आपका फैसला होगा वही मेरा। Thank you.
पब्लिशर साहब कहाँ हैं? मैं जो कुछ कहना हूँ थाने चलकर कहा। मैंने कुछ नहीं किया वाला था। अरे आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? देखो तुम यहीं ठहरो। अरे पर वो देखिए क्या क्या है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? आपका दिमाग तो नहीं खराब हुआ? क्या हुआ आपको? इन लोगों ने क्यों पकड़ लिया? जैसे नहीं इन्होंने खून किया। आप भगते हैं? कैसी तबीयत है बाप की? गीता बेटी न जाने मेरे मरीजों का क्या हाल हुआ होगा। लीजिए दवा पी लीजिए। रामू की मां बेचारी गरीब और पब्लिशर साहब की खबर भी न ले सका। कल शाम को उनका चपरासी एक बंद लिफाफा दे गया था लेकिन आपकी आंख लग गई थी। जल्दी से पढ़ के सुना दे बेटा। प्रिय डॉक्टर जी, आपने मेरी बहुत देखभाल की। मेरे इलाज में न दिन को दिन समझा न रात को रात, मगर मेरा नसीब कि बीमारी दूर न हुई। मौत ही अब मेरे रोग का आखिरी इलाज है। मरते मरते मैं चाहता हूँ कि आपका आखिरी शुक्रिया अदा करूँ। प्रभु हमेशा आपको सुख चैन से रखे। प्रार्थना कीजिए कि वो मुझे इस पाप के लिए क्षमा कर दे। आपका दोस्त द्वारका दास किताब वाला। चाचा जी आपके बहुत प्यारे दोस्त हैं ना पिताजी? पिताजी आपकी तबीयत तो अच्छी है ना? ठीक हूँ बेटा, मगर तुम एक काम करो, फौरन वहां जाकर ठीक ठीक बात का पता लगाओ। अगर वो जिंदा मिल जाए तो उनसे हाथ जोड़कर कहना कि निराश न होइए, परमात्मा अच्छा कर देंगे। जाओ बेटी। लेकिन आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जाऊं पिताजी? कोई बात नहीं बेटी, मुझे एक गोली और दे दो और फिर मौसी तो आती ही होंगी। न जाने वो कब आए, उन्हें तो अपने घर की चिंता लगी रहती है। वो जरूर आएंगे, मैंने उन्हें एक जरूरी काम कर रखा है। ले जाइए। तुम जाओ बेटी। ये दुकान क्यों बंद है? कल मालिक का खून हो गया है। खून हो गया? हाँ, एक नौजवान ने मार दिया है। मेरे पास उनका खत है, इसमें तो कुछ और ही लिखा है। इसी तो पता चलता है कि उन्होंने खुदकशी की है। आप वहां चलकर बयान देना होगा। मगर मेरे पे बहुत जरूरी है, एक बेगुनाह की जान खतरे में है, आपको जरूर चलना होगा। राम सिंह आपको थानेदार साहब के पास ले जाओ और ये खत दी। चलिए कहानी लिखता तो अच्छा है। हाँ सुनो, फिर वो गरीब लड़की मुझको एक डॉक्टर के घर ले गई। वो डॉक्टर क्या थे? जैसे देवता। उनकी एक नेक बेटी थी, बिल्कुल अपने पिता की तरह, गरीबों से हमदर्दी रखने वाली, जैसे कोई देवी हो। क्या बात है? ये खत है साहब, इससे मालूम होता है कि सेठ साहब ने खुदकुशी कर ली है। ये तुमको कहां से मिला? आप लाई। बहुत अच्छा हुआ आपने ठीक समय पर पहुंचकर फंस चला था। एक लेखक है
अशोक उसका नाम है, आपने उस पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। यह खत तो किसी डॉक्टर के नाम पर है, आपको कैसे मिला? डॉक्टर मेरे पिता है। ओ आई सी, तशरीफ रखिए। क्या मैं अशोक बाबू से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, देखो आपको अशोक बाबू के पास ले जाओ। बहुत अच्छा साहब। गीता, गीता ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने किसी की जान नहीं ली, मैंने किसी की जान नहीं ली। तुम मुझे बुरा मत समझो गीता, मुझे बुरा मत समझो, मैंने किसी की जान नहीं। रात भर बेचैन था बेचारा, अभी अभी आंख लगी, मालूम होता है कोई सपना देख रहा है। गीता, न जाने कौन गीता है जिसका दीवाना है। बाबू साहब, तो बाबू उन्हें न जगाइए, आराम करने दीजिए। गाने के लिए न रोने के लिए, चल भाग। पिताजी, देखिए देखिए, आपको आपकी गीता पुकार रही है।
पिताजी, क्या हो गया बेटी? दीदी ये सब ठीक है ना बेटी? भी पिंजरे में और मेरे बाबू भी पिंजरे में। पंछी जा और मेरे बाबू को ले आ। अशोक बाबू आप आजाद हैं। कहा है मेरा पपंची? ला मेरा पपंची या दे मेरे दाम। दाम 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 है ना पंछी, माफ करना पंछी अरे बाबा माफ करना। दाम नहीं तो देगी जो तेरे ममोटे ममोटे दीदे निकाल लो तू तो माफ कर देगी कर देगी। तो ला मेरा पपंची। कहा है मेरा पपंची? कहा खड़ी तो उठ जाओ। मैं तो नहीं उड़ा डोरा लोगों को पकड़ो तो पूरी किसान मुझको ले जाएंगा समझा समझा। कहां तक मुफा दी थी मगर दौड़ के जाएगी कहा? अरे पंछी तो उड़ गया, क्या तू भी उड़ गई? मगर उड़ के जाएगी कहा? अरे हाथ आ जाए अगर दो महीने की फांसी में चढ़वा दू तो कहना मेरा पंछी। छोड़ दिया और आप आगे आजा बंद कर मेरा काम करेगी करेगी तो क्यों ये कागज कहाँ? वो डॉक्टर साहब का घर तुझे मालूम है ना? मालूम है। ये चिट्ठी मान दिया। आप खुद क्यों नहीं गया थे? अरे देख मेरा हुलिया सोरा, मेरे कपड़े बड़े अच्छे नहीं है, तू जाके ले आ ना। पर देख ये चिट्ठी गीता देवी की नहीं देना, जल्दी से पढ़ दे। हाँ पढ़ दो। सचमुच को पढ़ दी बोलिए? पढ़ दे तो ला मेरे। अच्छा 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 मैं पढ़ता हूँ। सुन सुन बिंदिया सुन, आवाज नहीं निकलती है, भूखा हूँ ना, एक चवनी उधार दे दे, अभी फटाफट पढ़ के सुना देता हूँ। जब देखो मुआ भूखो मरता है। अच्छा ले जल्दी सुना देना। हाँ, हाँ। अभी सुन ले, अभी सुन ले बिंजा, अभी सुन ले बिंजा। इसमें लिखा है कि समझ कर समझो, समझ भी आखिर को एक समझ है, समझ के जो न समझाए तो उसको समझो कि बेसमझ है। तेरे बाबा ने भी कभी पढ़ा था? बाबा ने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, मेरे बच्चे जरूर पढ़ेंगे।
ये कैसी नाक है तेरी? मगर देवी जी अभी कटी नहीं है। तो कैसा शरीफ आदमी है, हंसना भी नहीं जानता। मगर आप कोई रंग रोटी ऑफिसर है या फिल्म डायरेक्टर? हंसना भी नहीं जानता, रोना जानता है, गाना भी नहीं जानता, नाचना जानता है, उठना भी नहीं जानता, बैठना जानता है। देखो माए, मेरी इंसल्ट मत करो, मैं अपने खानदान भर में अपनी माँ का इकलौता शरीफ लड़का हूँ। अच्छा ये तो बता, कुछ पढ़ना लिखना जानता है? अच्छा ये तो बताओ, कुछ पढ़े लिखे के लिए नौकरी लाई हो? नौकरी वोकरी नहीं, चिट्ठी पढ़ी है। तो सुनो, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, अफगानिस्तानी, पठानिस्तानी, इंग्लिस्तानी, जर्मनी एंड जापानी, शैतानी, इंसानी, हैवानी, जनानी, मर्दानी, जूली, लंगड़ी, अंधी, कानी, परंतु सब कुछ ना जानते हुए भी हिंदुस्तानी तो जरूर जानता हूँ। बस 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 बस, खोपड़ी ना जान, जानता है तो पढ़ के सुना दे। तो क्या चिट्ठी तुम्हारी है? नहीं तो क्या तेरी नानी की है? ओ, आप मेरी नानी को भी जानती है? शायद बचपन में उनके साथ खेली होंगी। हाँ बेटा, बचपन में वो खेली थी और अब भी खेलना चाहती। मेरा मतलब ये था कि कहाँ से आई है, किसकी है, किसने भेजी है? एक बड़े अच्छे बाबू ने। अच्छा अच्छा, जल्दी पढ़ ना, जल्दी पढ़। रेलगाड़ी क्या छोड़ दी है? धीरे 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 पढ़। तुम्हें तो कह रही थी कि जल्दी जल्दी पढ़। अच्छा अच्छा सुना दे। तो जरा दूर रहिए। गीता देवी, आप लोगों के मुझ पर बड़े उपकार हैं। मुझे मालूम हो गया था कि ठीक समय पर आकर आपने मेरी जान बचाई। आगे पढ़ो। मैं किस जुबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? मैं आपके उपकारों का बदला जिंदगी भर नहीं दे सकता। वो दिन जो आपके पास रहकर कटे हैं, मेरे जीवन के सुनहरे सपने बनकर रह गए हैं। फिर ये सुनहरा सपना क्या होता है? जरा फिर से तो पढ़ो। वो दिन जो आपके साथ रहकर बीते हैं, वो सबके सब सुनहरे सपने बनकर रह गए। वो मेरे जीवन के सुनहरे सपने बनकर रह गए। वो दिन कभी ना भूलेंगे, आपका वो गाना कभी ना भूलेगा, वो ना भूलने वाली घड़ी कभी ना भूलेगी। सच तो ये है कि मैं आपको जिंदगी भर ना भूल सकूंगा। बस बस। अरे, अरे अभी तो बहुत कुछ लिखा है भाई। मैं जानती हूँ इसने क्या लिखा है। मालूम होता है कि बाबूजी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। अब इतना प्रेम करने पर भी कहती है नहीं, नहीं। औरत जात भी अजीब चीज है, न यू चाहे न वो चाहे। मुझसे मिलना है? हाँ तुझसे, तेरी चिट्ठी लाई हूँ मगर मैंने रास्ते में फाड़ दी है, और तू जो जवाब देगी उसे भी फाड़ दूंगी। हाँ किसकी चिट्ठी? जिसने तेरे घर में कुछ दिन काटे थे। क्या जवाब देना है? लिखी थी तो मैंने पढ़ी नहीं, कुछ ऐसी वैसी बातें लिखी थी, और शुभ बाबू की चिट्ठी थी। उनसे कहना तकदीर ने हर सहारा मेरा मुझसे छीन लिया। पिताजी, पिताजी सदा के लिए मुझसे जुदा हो गए। रेखा की बातें नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ राजन, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करता रेखा।
है तुम्हारी बात के लिए। अरे ये लोग तो फिर आ गए। राजन, रेखा, ईश्वर के लिए मान जाओ, इनको अकेला छोड़ दो। सिर्फ दो मिनट के लिए मेरे पेट पे पांव मत रखो। राजन, रेखा, अश्विन बाबू, इनको कुछ समझा देना। राजन, तुम रेखा को समझा देना। रेखा, तुम राजन को समझा देना। अश्विन बाबू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे बिंजा, क्या खबर लाई हो बिंजा? उनके पिताजी मर गए। क्या कह रही है तुम? गीता ने यही कहा है। गीता के पिताजी गुजर गए बाबू? डॉक्टर साहब गुजर गए। आपको तो लग गया है बाबू। डॉक्टर साहब गुजर गए। आपको तो लग गया, ये कैसे लग गया बाबू? वहां लग जाइए, लग जाइए। गीता देवी, मुझको अब तक विश्वास नहीं होता कि डॉक्टर साहब गुजर गए। रोइए नहीं, रोने से किसकी बिगड़ी बनी है। डॉक्टर साहब इतने अच्छे और नेक इंसान थे कि सबको उनकी जरूरत थी। भगवान को भी उनकी जरूरत हुई और उसने उनको अपने पास बुला लिया। ये खून कैसा है अशोक बाबू? कुछ नहीं, यूं ही कट गया था। आप बैठिए, मैं दवा ला के लगा देती हूँ। कुछ आराम है? हाँ। वो आपने जो नई कहानी शुरू की थी, कब पूरी होगी? हाँ? मुझे चीज नहीं बता सकता गीता देवी, मुझे खुद नहीं मालूम मेरा कौन सा काम कौन से समय पूरा हो रहा। सब समय का ही खेल है अशोक बाबू। हाँ, आपने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? उसके बारे में सोच ही क्या सकती हूँ। पिताजी का स्वभाव, उनकी गरीबों के साथ हमदर्दी को तो आपने देख ही लिया था। जो कुछ मिला कमाया, सब जरूरत वालों पर निछावर कर डाला। हमेशा अपने सर कर्जा चढ़ाए रखा। अब तो एक ही सूरत रह गई है, इस घर को बेचकर तमाम कर्जा अदा कर दूं। उसके बाद में जो होना होगा सो होगा। कितना बदनसीब हूं मैं जो ऐसे समय भी आपकी कोई सेवा नहीं कर सका। कितना मजबूर कि खुद मजबूरी मुझ पर तरस खाने लगी है। गीता देवी इतने घर नहीं आ सका, उसका यही कारण था। फिर जाते जाते डॉक्टर साहब ने एक और एहसान मेरे सर पर लाद दिया। वो कर्जा भी तो मैं आज तक अदा नहीं कर सका। अशोक बाबू, वो कहानी जो आप लिख रहे हैं, किसी दिन मुझे भी तो सुनाइए। जरूर सुनाऊंगा, लेकिन आपने मेरी बात काट दी। पिताजी ने नसीहत की थी कि ऐसी बातें न सुना करो। अच्छा, अब मेरा ख्याल है मैं चलूं। अशोक बाबू जी, फिर कभी आइएगा। आऊंगा, जरूर आऊंगा। काश ये घर आपके पास रहता, काश मैं आपके लिए कुछ कर सकता। तो फिर क्या हुआ? ये खुली नदी है, आप किसी और जगह जाके लिखा कीजिए। बिंदिया तो घर आओ, इधर आओ, पास आओ हमारे पास। अरे यहाँ आओ तुम। देखो, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, वो तुम्हें माननी पड़ेगी। हाँ बाबू। वजन देखे फिर तो नहीं जाओ? नहीं बाबू, नहीं तो हमारा दिल टूट जाएगा भैया। हाँ राम। देखो, हम वो किताब लिख रहे हैं, देखती हो ना? और उसके लिखने के लिए हमें एकांत की जरूरत होती है बिंदिया। होती होगी होती होगी नहीं होती है
तो मैं क्या करूं? तुम आज अपने फूल पत्ते जाकर सड़क पे बेचा करो। हाँ, उस सड़क पे जाके बेचा करो। जा। हम सब जानते हैं। तू कुछ नहीं जानता। अरे इतना तू नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ। हाँ। क्या जानता है बता बता, क्या खास जानता है? हाँ, ये मत पूछ, बटेर सब जानता है। मर भी बता भी, क्या जानता है बता दू? तो सुन बिंदिया, तू जवान हो गई है। हाँ, मुझे ऐसी बात न कर। अच्छा अच्छा बिंदिया, एक बात तू भी बता दे। जा, मैं नहीं बताती। अशोक बाबू, वो अशोक बाबू। अरे अरे, ये तो क्या कर रहा है? उन्होंने बोला। अरे वाह, उन्हें कैसे न बुलाऊं? मेरे पैसे जो उन पर निकलते हैं। अशोक बाबू, वो अशोक बाबू। अजी सुनिए तो अशोक बाबू, अरे मैं चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया, लेकिन आप तो न जाने किस धुन में चले जा रहे हैं। काम से जाना। अरे ठीक है, लेकिन आपके ऊपर जो सात दारी के पैसे निकलते हैं, सात दारी का की होती है? अरे सोमवार सोमवार सात, आप तो एक पैसा भी नहीं देते। बटेर, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं। बिल्कुल नहीं, लेकिन देखिए किताब है ना। हाँ? ये मैं छापेखाने में देने जा रहा हूँ। ठीक है, जब मुझे वहाँ से पैसे नहीं मिले, अशोक बाबू मुझे यही रावड़ी अपने पास गाड़ी नहीं मिली, और मैं कुछ ठीक है लेकिन मुझे, अरे बस सुने तो, और कुछ भी तो देके जाइए ना। देखो जी, हमारी बात का ख्याल रखना, और तुम कोई बेगाने तो हो नहीं, और फिर तुम तो द्वारका दास जी के भतीजे हो, और ये तो तुम जानते हो वो द्वारका दास जी के कितने अच्छे दोस्त थे। जमाना और तकदीर की बात है कि डॉक्टर का तुम घर खरीद रहे हो, बस यही कहना है घर की देखभाल अच्छी तरह करना। डॉक्टर की तरह गीत को भी इस घर से बहुत प्यार है। आप चिंता ना कीजिए। तो बस दो रोज में हिसाब करते घर का कर्जा ले जाना,
क्यों बहन? हाँ ठीक तो है। बहुत अच्छा। चलो नमस्ते। चलो आप भी बड़ी किस्मत वाली हैं। क्या बतलाऊं माता जी, तुम्हारे पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है। तुम कौन हो जी, क्या चाहते हो? चाहता तो कुछ नहीं हूँ और बहुत कुछ चाहता हूँ। बात यह है कि मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरी क्या कर सकती हो। सेवा? कैसी सेवा? क्या सवाल? किताबें तुम जला दो, चूल्हे में डाल दो, तो भी मैं तुम्हारे माथे की और हाथ की रेखा देखकर बता सकता हूँ कि तुम कब मरोगी। कब मरोगी, कैसे मरोगी? आज मरोगी, कल मरोगी, मोटर के ऊपर मरोगी, खटारे के नीचे मरोगी, रात को मरोगी, जिस दिन को मरोगी, आज मरोगी या कल मरोगी, मैं सब कुछ बता। मकर चक्र सब मामला चक्र। वो आप किसी जरूरी काम से गई थी और उसको पूरा करके वापिस आ रही है, इसीलिए तो चेहरे पे नीले रंग किसकी छत है? लाल लाल होंगे। शादी हो चुकी है। रंग किसकी दीवारें? बड़े ऊंचे ऊंचे उसमें दरवाजे हैं, खंभे हैं, खिड़कियां हैं और वो ये नहीं मांगा। एकदम गीता के लायक है। किसी से गीता की शादी क्यों ना कर दी जाए? कल हवेली पर चल के बात करने के लेते हैं। अरे ये तो उसी की तस्वीर मालूम होती है। मालूम होता है उसके कोट से गिर पड़ी है। कितना शरीफ आदमी मालूम होता है। जवान भी है, रुपया पैसा भी और शान भी। अरे इतना बड़ा मकान भी। अंदर आइए। नमस्ते। तशरीफ रखिए। तो किराया मुकम्मल हो गई, ये काफी ले आया हूँ। बहुत अच्छा। हाँ मैंने आपसे कहा था कि अपनी तस्वीर खिंचवा कर ले आइए। जी हाँ बुलाया। कोई बात नहीं, आप परसों जब रुपए लेने आएंगे तब जरूर लेते आइएगा। पब्लिसिटी के लिए बहुत। परसों पैसे पूरे मिल जाएंगे? जिन लोगों से मिलना है इसी वजह से उनसे मिल नहीं सकता मैं, इसीलिए आपको तकलीफ दे रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप परसों पूरे रुपए ले जाइएगा। बहुत अच्छा। अच्छा मैं चलूँ। नमस्ते। बेटी आप चलो। हाँ बेटी चलो। घर छोड़ने को जी नहीं चाहता मुझसे। किसी खबर थी कि अपना घर भी बेचना पड़ेगा? नसीब की बात है बेटी, अब अफसोस करने से क्या फायदा। ऐसा नहीं हो सकता मौसी कि पब्लिशर साहब ये घर हमें किराए से दे दे। मगर तुम अकेले कैसे रह सकती हो फिर इतने बड़े मकान में? आप लोग मेरे साथ रहती तो कितना अच्छा होता। क्यों मौसी? अच्छा तो होता, लेकिन बेटी हम अपना घर भी तो नहीं छोड़ सकते। अब चलो बेटी, हमको तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम खुद रहोगे इस घर में? ये नहीं रहेंगे तो क्या इनका नौकर रहेगा? क्यों बेटा? जी नहीं, ना मैं रहूंगा ना मेरा नौकर। किराए पर दे दूंगा किसी को। मैं अकेला इतने बड़े घर में रहकर क्या करूं। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। मालूम होता है नेक भी। इसी सेवक को तो मुंशी मुनक्का कहते हैं, हिंदुस्तान का माना हुआ मशहूर लेखक। अभी क्या है 50-40 कहानियां छप जाने दीजिएगा। जमाना कहेगा जब इस बचपन में ये हाल है तो जवानी में क्या हाल होगा। अभी ताजा आमद है, अर्ज किया है, सुन जरूर लो चाहे डांट दो या ना दो। अभी ताजा अर्ज किया है कि यमुना
मेरी अच्छी जमुना। बाबू, आपने मेरे मन में हमेशा हमेशा के लिए जगह कर ली। आप कैसी बातें करने लगे? कहिए कैसा लिखा है? और अभी तो गाना भी अर्ज किया है। मैं सरद के यानी विज को रखी बात।